माई सेल्फ चावी मेदीरता ऑफ क्लास 8 थे. टुडे आई एम हियर टू प्रेजेंट माई एजुकेशनल टॉय विच कैन बी हेल्पफुल इन टीचिंग ऑफ एनी सब्जेक्ट. दिस इज अ सर्किट बेस्ड क्विज इन द फॉर्म ऑफ मैच द कॉलम्स. चलिए संस्कृत से शुरू करते हैं. इसमें हमें पशुओं के चित्र से उनके नाम को मेल करना है, जैसे गौ अर्थात गाय. मूषक क्या भालू होता है? नहीं, जी हाँ, ये चूहा होता है. सिंह अर्थात शेर. चलिए अब हिंदी का देखते हैं. इसमें हमें कारक को उनके चिन्ह से मेल करना है, जैसे कर्ता नी, कर्ण को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे. नाउ लेट्स सी फॉर इंग्लिश. हियर वी हैव टू मैच द वर्ड विद द सिनोनिम्स. फॉर द वर्ड डिमोलिश द सिनोनिम इज इट प्रोहिबिट? नो, इट्स डिस्ट्रॉय. Abroad, that is overseas. And unfortunate, is it prohibit? No, it's unlucky. It is observed that the bulb glows when the correct match is being touched by the probes. Now, the question arises is, how does this happen? How does this work? So here we can see these aluminium strips which are internally connected through wires for the correct match. And these probes are connected with the battery and the bulb internally. So whenever the correct match is being touched by the probes, the bulb glows as the circuit completes, whereas it does not glow for the wrong match. Thank you.